आगरा में खनन माफियाओं के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आकाश नाम के खनन माफिया को लगी दो गोली। मुठभेड़ में योगेश आरक्षी ने चलाई गोली, ट्रैक्टर चालक को लगी दो गोली। घायल आकाश को इलाज के लिए कराया भर्ती। मौके से हुए तमंचे बरामद। आगरा के थाना इरादत नगर के कुरान चौकी के सूरजपुरा रोड का पूरा मामला। अरुणोदय समाचार के लिए आगरा से मयूर खान की रिपोर्ट। प्रोवाइड करा दिया इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे, तीन ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहां पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था, उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पे बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया और इसने अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार उसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि ड्राइवर थे उनको गोली लगी है, दो गोली पैर में लगी है, एक थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ, साथ में लगभग 80 डंफर और ट्रैक्टर सीज हैं। इसके अलावा इसमें 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ये लोग चोरी छुपे जो गांव के रास्ते हैं वहाँ से बहुत ही रैश ड्राइविंग करके लेकर के जाते हैं और किसी भी कीमत पे रुकते नहीं हैं, बल्कि अगर कोई सामने आ जाए तो चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस का लगातार अभियान है, इसको रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। इस क्रम में आज ये घटना हुई है और इसमें जो आरक्षी है उसने बहुत ही सतर्कता और साहस का परिचय दिया है। साथ ही जो इसमें घायल है उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। अभी इलाज चल रहा है, आगे जो भी है विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।